यहाँ से सर कई दफ़े तेल ले गया, हम कह देते कि तेल को फीड कर दो, 100 रुपये का तेल ले तो ऐसा फीड कर, तो फीड नहीं कर दे ये नहीं डाल दें दे तेल पर, कहना ये है ये पेट्रोल पंप सील हो जावे। अरे ने जो इनका मालिक है कार्य जो इनमें काम करना है सबको जेल होगा कम से कम 6-6 महीने की। क्या कहना जब हम शिकायत करते ना तो सर अंदर ये सारे एक हो जाते हैं, हम पुलिस को बुला रहे और हम पे उल्टी कार्रवाई कर देते, हम मजदूर आदमी थे हम तो अपना चल जाते हैं और क्या करें जो बताओ। मेरी मोटरसाइकिल मैन में थी तो मैन में आके मैंने सोची मैं मेरठ जा रहा था, मैं कहा तेल डलवा लूँ मैं, तो मैंने 100 रुपये का तेल डलवा लिया, तो मैन के बावजूद भी 100 रुपये का तेल डलवाने के बावजूद भी पुली कूदता था रिजर्व में लग गई। अच्छा तो 100 रुपये का तेल कहाँ गया? मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे पे वित्ती वही है, तो मैं यहाँ कह के गया था, मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो देखो कितनी जल्दी रिजल्ट आया। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ उस्मान चौधरी। मेरठ एसटीएफ ने 10 पेट्रोल पंपों पर छापा मारा जिसमें ये पेट्रोल पंप है इसको सील किया गया है। इस पर ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर घटतोली की जा रही है। एसटीएफ ने 10 लोगों के खिलाफ FIR की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में हापुड़ में ये छापेमारी की गई और मेरठ के SSP का कहना है कि 4 लोगों को इसमें अभी तक गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ से ये शिकायत मिल रही थी कि इन पेट्रोल पंपों पे घटतोली की जा रही थी, यानी कि और जो आप 100 रुपये का तेल लें तो 80 रुपये का तेल ही मिल पा रहा था, क्योंकि जब यहाँ SCF की टीम यहाँ छापेमारी को पहुँची तो यहाँ पर जो स्टॉक था वो ज़्यादा था और जो सेल थी वो उसके हिसाब से जो स्टॉक था वो ज़्यादा था, कम होना चाहिए था। 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया और मेरठ में 4 मुकदमे दर्ज किए गए, इसमें परतापुर भी है, हस्तिनापुर भी है, ब्रह्मपुर भी है और ये इचोली भी है। यहाँ पर हम मौजूद हैं इस पेट्रोल पंप के सामने जिसको फ़िलहाल सील किया गया है और यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ से तेल लेते हैं और उनका क्या कहना है इस पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन चौहान, गाँव खरदोनी का हूँ। यहाँ से सर कई दफ़े तेल ले गया, हम कह देते कि तेल को फीड कर दो, 100 रुपये का तेल ले तो ऐसा फीड कर, तो फीड नहीं कर दे ये नहीं डाल दे तेल। हमने कई दफ़े कहा भाई भैया फीड कर दे कर, हमें पता ही नहीं लग रहा इसका। तो कई दफ़े ऐसा हुआ मेरठ के हमारे 100 रुपये में 2 चक्कर लगा, बीच में ख़त्म हो गया रजपुरे कई दफ़े हमारा तेल, तो बड़ी समस्या थी सर। यहाँ एक तो तेल वैसे ही महंगा है, ऊपर से इस तरीके से ये घटतोली की जा रही, क्या कहना है इस पर? कहना ये है जी ऐसे आदमियों को तो इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन्हें सजा होनी चाहिए। गरीब एक तो सरकार चलते हुए सरकार में बहुत दिक्कत, हालत ख़राब हो रही, पैसे नहीं बच रहे और फिर ये तेल को कम दे में तो बड़ी दिक्कत हो रही जी सर, हम तो बड़े परेशान हैं पेट्रोल पंप वालों से। यहीं से लेते हैं आप तेल? जी यहीं से लेते हैं तेल। आपका क्या नाम है? सरवर। सरवर जी, यहाँ से आप तेल लेने आए हो? जी जी। पेट्रोल पंप बंद है, कम तोला जा रहा था इसलिए इसको बंद किया गया, क्या कहना है सर? ये इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए और चीज़ होनी चाहिए ऐसे पंप पे। कितनी परेशानी होती है कि जिस तरीके से एक तो तेल डीजल पेट्रोल सब महंगे हैं और ऊपर से ये कम तोले कम दिया जा रहा है यहाँ पर? सर परेशान होते हैं, बाज फिर तेल गिरवा के ले जाते हैं, बीच में ख़त्म हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है। और ये लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इस काम को, घटतोली इनका, ट्रैक्टर वगैरह में गाड़ी में तेल गिरवाते हैं हम लोग, तो काफ़ी कम देते और फीड नहीं करते ये लोग तेल। कभी आपने इस चीज़ की शिकायत की? सर शिकायत तो नहीं की कभी, शिकायत तो हमने नहीं की, इनसे ही कहते बस, इनसे ही कहते थे इनके मालिक से, तो बस ऐसे अटा के आवेदन का हम नहीं करते, तो यही होता था बस। क्या कहना है आपका? पर कहना ये है कि ये पेट्रोल पंप सील हो जावे। अरे ने जो इनका मालिक है कार्य जो इनमें काम करना है सबको जेल होगा कम से कम 6-6 महीने की। नहीं आपने कहा कि जब शिकायत करते थे तो क्या कहना था? जब हम शिकायत करते ना तो सर अंदर ये सारे एक हो जाते हैं, हम पुलिस को बुला रहे और हम पे उल्टी कार्रवाई कर देते, हम मजदूर आदमी थे हम तो अपना चल जाते हैं और क्या करें जो बताओ। तो ये लोग हैं जिनका कहना है कि एक तो पेट्रोल और डीजल वैसे ही महंगा है, ऊपर से घटतोली की जा रही थी, पेट्रोल कम दिया जा रहा था और इन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी की, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होती थी। जो इन लोगों का कहना है, यहाँ पर हमने देखा कि ये देखिए ये मेरठ के मवाना को रास्ता जाता है, ये हाईवे है और मेरठ से मवाना की तरफ को जाता है, ये पूरा हाईवे का क्षेत्र है। यहाँ पर इधर आप देखें तो ये मेरठ से रास्ता आता है और ये मवाना को जा रहा है इधर, और ये इसी हाईवे पे जो बिजनौर वाला हाईवे है इसी पे ये पेट्रोल पंप स्थित है और फिलहाल इसको सील कर दिया गया है। और आरोप ये है कि यहाँ पर चिप लगाकर यानी कि मशीनों को इस तरीके से सेट किया गया था कि और जो तेल ले रहा था उसकी जितनी तादाद उसको मिलनी चाहिए थी उससे कम मिल रही थी। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम साहिल है। साहिल, किस यहाँ पर जो पेट्रोल पंप को सील किया गया है, यहाँ छापेमारी हुई थी, यहाँ पेट्रोल कम दिया जा रहा था, डीजल भी कम दिया जा रहा था, किस तरीके से ये परेशानी का सबब है? मतलब यहाँ पेट्रोल पंप पास में कोई है नहीं, अब तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा मेरठ की तरफ। अब ये बंद हो गया तो फिर अब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है नहीं पेट्रोल पंप। आपका क्या नाम है? और मेरा नाम सूरज है। सूरज, किस तरीके से परेशानी होती है ये जो पेट्रोल को कम दिया जा रहा था, मतलब यानी कि 100 रुपए का और जो आप तेल लें तो 80 रुपए का आपके गाड़ी में तेल दिया जा रहा है? सर एक्चुअली हमें कभी ये पता ही नहीं चला कि 100 का दिया या 80 का दिया, हमने 99 का भरा लिया, उन्होंने कंप्लीट किया। और बस ये कहना चाहेंगे कि हमें कभी लगा नहीं कि इन्होंने कम दिया है। तो ये बात कैसे मानते हो आप, किस तरीके से परेशानी लोगों को होती है कि भाई वो तेल डलवा रहा है और उसको कम मिल रहा है? सर अब ये है कि यहाँ पे आसपास कोई है नहीं, तो ज़्यादातर लोग लोकल के रहने वाले हैं तो यहाँ पे भरवाते हैं, तो ऐसा हुआ है तो, लेकिन हमें तो पता नहीं कैसा हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आर्यन है। आर्यन जी, इस पेट्रोल पंप को बंद किया गया है, सील किया गया है, यहाँ पर घटतौली हो रही थी, क्या कहना है इस पर आपका? ये तो घटतौली तो मेरे है ना खुद ही, यानी कि मैं खुद हूँ उसका गवाह। मैं ना यहीं का रहना हूँ, पास का गाँव है मेरा पबला। तो मेरी मोटरसाइकिल मैन में थी, तो मैन में आके मैंने सोची मैं मेरठ जा रहा था, मैं कहा तेल डलवा लूँ मैं, तो मैंने 100 रुपये का तेल डलवा लिया। तो मैन के बावजूद भी 100 रुपये का तेल डलवाने के बावजूद भी पुली कूदता था, रिजर्व में लग गई। अच्छा, तो 100 रुपये का तेल कहाँ गया? तो बस ये उसमें क्या करते हैं, अगर कोई मान ले 100 का मेरे साथ बंदा आगे भरवा रहा है, मैं भी 100 का भरवा, तो उसे ये रिवर्स का बटन दबा के फिर दोबारा से नंबरिंग चलती थी, तेल आता नहीं था। अच्छा, नंबरिंग चल जाती थी, तेल नहीं देते, तेल नहीं आता था उसमें। कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ? यहाँ मेरे बार दो बार हुआ है ऐसे। तो मेरी साथ में मेरी मिसेज थी, मैंने कहा मगर यार मैंने अभी तेल डलवाया था, तो मेरे मन से बद्दुआ निकली, मगर है ना जो जैसा करेगा भरेगा, हो गया। तो किस तरीके से आप कहना चाहते हैं कि जैसे पेट्रोल पंप पेट्रोल और फिलहाल डीजल महंगा है और इस तरीके से घटतौली की जा रही है, तेल नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है, तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत है। देखो खैर ये भी नहीं कहते, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो है ना गवर्नमेंट भी उसकी है ना तरक्की कर रही है, होनी भी चाहिए। अब महंगाई है तो जनसंख्या भी है, ज़रूरतें कहाँ से पूरी करेगी इतनी भी गवर्नमेंट, सही है उसके हिसाब से, लेकिन तेल तो सही दे मैं अगर मान लिया महंगाई जा रही है तो तेल तो यानी कि सही होना चाहिए, तेल पूरा मिलना चाहिए, महंगा तो हो ही रहा है। हाँ जी, एक है ना पास में है ना पेट्रोल पंप है आगे HP का है हिंदुस्तान का, उसमें भी मेरे साथ में ऐसे हुआ एक दिन, बल्कि उसमें तो मेरे गाँव के लड़के ही हैं, तो उन्होंने भी ऐसी करा, मैं है ना ऐसी उसमें रिजर्व में गिरवाया था 100 का, मैं जान के गिरवाता हूँ देख के उसकी नहीं, तो उन्होंने भी ऐसी करा, मेरी रिजर्व में लगी गाड़ी। अच्छा, आपने इस चीज़ की शिकायत कभी? शिकायत तो ये नहीं करी, अब कहाँ मगर क्या करेंगे शिकायत वगैरह, तो किस मान लिया है ना छोटे आदमी कौन सुन रहा, फिर दबा दें पैसे वहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, फाइल बंद। अब ये मान लिया सीट लग रही है, पैसे चले जाएंगे, कुछ दिन बाद खुल जाएगी। तो आपको लगता है फिलहाल जैसी करनी वैसी भरनी इन्होंने की है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पे वित्ती वही है, तो मैं यहाँ कह के गया था मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो देखो कितनी जल्दी रिजल्ट आया, तो जो जैसा करेगा भगवान देख रहे, यहाँ का कोई ना देख रहा, भगवान तुरंत रिजल्ट दे रहे अब तो। तो ये आर्यन नाम है आपका? हाँ जी। ये आर्यन है और यहीं के रहने वाले, इनका कहना है कि इनके साथ में भी ऐसा हुआ कि जब इन्होंने तेल डलवाया तो वो इनकी तो जो हाँ इनसे पेट्रोल पंप वाले से, मगर आपने मुझे तेल कम दिया, मगर ये तो होता ही नहीं कि मेरी मैन में लग रही है गाड़ी, रिजर्व मैन का तो आपको पता है, और मगर पुल को उत्तर रिजर्व में लग रही है, तो उनको ऐसा हो ही नहीं सकता, अब किससे लड़े क्या बहस करे, पर मैं बहस करने वाला हूँ नहीं, मैं तो अपना चल दिया अपना। तो ये आर्यन है जिनका कहना है कि इनके साथ में भी ऐसा हुआ है कि जब इन्होंने तेल डलवाया तो वो कम दिया गया, तो इन्होंने हालांकि इनका ये भी कहना है कि पेट्रोल पंप वाले से ये भी कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी तुमको भुगतना पड़ेगा, और इनका कहना है कि वो आखिर भुगत रहे हैं, पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है और फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूरी बैरिकेडिंग करके इसको सील कर दिया गया है और यहाँ फिलहाल तेल पर बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है, और लोगों का यही कहना है कि महंगाई में कम से कम जब महंगे हो रहे हैं तेल, डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो कम से कम उन्हें पूरा तो दिया जाए, क्योंकि वैसे ही तेल और डीजल महंगे हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, UP तक।